दोनों जस्सी और शहनाज की दोस्ती के बारे में हर किसी को पता चल गया। इनके गाने से ज्यादा लोगों को इनकी दोस्ती पसंद आ रही है, लेकिन हिमांशी खुराना को इनकी दोस्ती कुछ रास नहीं आ रही है। हालांकि हिमांशी खुराना और शहनाज गिल दोनों ही जस्सी गिल की अच्छी दोस्त हैं, लेकिन शायद शहनाज गिल की वजह से उन्होंने जस्सी गिल से नई दुश्मनी ले ली है। साथ ही ये भी पता चला कि हिमांशी खुराना अभी भी शहनाज गिल से नफरत करती हैं और अभी तक हिमांशी और शहनाज के दिल नहीं मिले हैं। जो भी कुछ हिमांशी खुराना ने बिग बॉस में दिखावा किया था वो सब ड्रामा था। दरअसल हिमांशी खुराना ने जस्सी को अनफॉलो कर दिया और ये बात खुद जस्सी ने बताई है। जस्सी ने बताया कि मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर हिमांशी ने मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया। वही कई फैंस का मानना है कि वो शहनाज और जस्सी की नजदीकियों से परेशान हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने जस्सी गिल को अनफॉलो कर दिया। आपको बता दें, शहनाज और हिमांशी की काफी वक्त से लड़ाई चल रही थी। इनके घर वालों ने इन्हें एक दूसरे से कभी बात न करने की कसम तक दे डाली थी, लेकिन बिग बॉस के हालातों की वजह से इन्हें बिग बॉस के घर के अंदर बोलचाल करनी पड़ी। इतना ही नहीं, बिग बॉस में हिमांशी ने शहनाज से ऐसी दोस्ती की कि लोग खुद हैरान रह गए। दोनों की दोस्ती से खुश तो हुए, लेकिन उम्मीद थी कि ये सब हिमांशी ने पॉपुलैरिटी के लिए किया, और आज ये यकीन भी हो गया कि सच में हिमांशी ने शहनाज से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए की। वो आज भी शहनाज से दुश्मनी करती हैं। आपको बता दें, शहनाज और जस्सी का गाना कह गई सॉरी 12 मार्च यानी कल रिलीज होने वाला है। दोनों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे शहनाज और हिमांशी की दुश्मनी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।